आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर सच्चा जीवन जीना है तो कैसे जिया जा सकता। उसके लिए देखिए, सबसे पहली बात यह है, घर में जो देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो जो प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उन्हें केवल सुबह शाम आरती करने का मात्र साधन नहीं समझ लेना चाहिए कि हमें पूजा करना, बस आरती कर दिया, रोज ऐसा करना, इतना करने से काम नहीं चलता। उनको सच्चा समझो कि हमारे भगवान कोई बैठे हैं और श्रद्धा भाव रखें उनमें, और जब कोई काम से बाहर जहां भी जाए तो उनसे पूछ कर जाए, क्योंकि सबसे बड़े घर के सदस्य मानना चाहिए कि हमारे वही हैं, और हम जा रहे हैं तो पूछ लें कि हम जा रहे हैं, तो अगर ऐसा करके पूछ के आदेश लेकर के उन्हें अंदर से अगर हम जाएंगे तो हमें निश्चित सफलता मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, माता पिता गुरु अतिथियों को देवता समझो। माता पिता गुरु और जो अतिथि आ जाए उनको देवता समझो, सम्मान करो, क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये देवता है, इनकी पूजा अर्चना कर। श्रद्धा आवश्यक है, श्रद्धा ऐसा करें लेकिन सब चीज में श्रद्धा बहुत बड़ी बात है, जो का कुछ हो श्रद्धा भाव से, क्योंकि आपको मालूम है श्री राम साक्षात धरती में अवतरित प्रभु राम भगवान के रूप में, लेकिन जब प्रातः मालूम उनके लिए कुछ क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल जब उठते थे तुरंत माता पिता गुरु के मस्तक झुकाकर प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम, ऐसा सुनता है। अगली बात देखिए, आप जहां कहीं भी जाओ, अगर माता पिता देवी देवता जो भी मंदिर में मिले रास्ते मिल जाए तो उनको सिर झुकाकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते, जो सिर इनके सामने जो सिर न झुके वे कड़ुई तुम्बी, तुम्बी मतलब लौकी, कड़ुई लौकी के समान काट कर फेंक देने लायक, उसे धिक्कार। अगली बात देखिए, भावना प्रमुख है। भावना का अभिप्राय यह है कि जो मैं करने जा रहा हूं उसमें निश्चय ही मेरा कल्याण, शंका को जगह नहीं, यार माता पिता करने से क्या होगा, देवी देवता को करने, ये शंका क्यों, शंका को जगह नहीं तो काम सिद्ध होने वाला, क्योंकि खुद ही कहा था स्वामी जी, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तीन तैसी। और देखिए, जनकपुर में धनुष यज्ञ के समय अलग अलग भावनाओं देखने लायक, कैसी कैसी अलग अलग भावना, रघुराम एक ही थे, श्री राम एक ही थे, किंतु देखिए जो वहां राक्षस राजा बन करके जो आए थे, राक्षस से लेकर राजा बन के आए थे, तो उनको कैसे लग रहे थे श्री राम भगवान, जो उनको काल जैसे लग रहे थे कि हमारा कोई काल खा जाएगा, ऐसे भाव उनके ऐसे बन रहे थे। जनकपुर वासियों को ऐसा लगता था जैसे कोई घनिष्ठ संबंधी हमारे पहले के, और महाराज जनक सुनैना रानी को तो अद्भुत रूप सौंदर्य की छवि, वात्सल्य भाव अपना बच्चा जैसा, वात्सल्य भाव प्रतुत हो रहा, अलग अलग सबसे, लेकिन भावना सबकी अलग अलग। सीता जी की सखियों सहित सीता जी को तो अपना तो की भावना पहले से चला करेगी, भावना देखिए अलग अलग। इसलिए इन सबों में श्रद्धा बहुत जरूरी चार, इसीलिए ग्रंथों में चार वेद छह शास्त्र में, चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है चार, बात मिली है चार, सत्य प्रेम श्रद्धा सहित, सत्य प्रेम श्रद्धा सहित भाव करो व्यवहार, भाव करो व्यवहार, बस